just wanna go, 'cause I just wanna go, go, go to the deep end. टेक्नोरोवेज में आपका स्वागत है। आइए लेजेंड्स, आज करेंगे सैमसंग गैलेक्सी F22 की अनबॉक्सिंग और सारी जानकारी दूंगा एकदम टेक्नोरोवेज स्टाइल में। ये इंडिया में हाल ही में लॉन्च हुआ है दो वेरिएंट से। बेस है इसका 4GB रैम 64GB स्टोरेज और हायर वाला है 6GB रैम 120GB स्टोरेज। प्राइस की ऑफर की सारी इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। बेस वेरिएंट अगर ऑफर लगाकर बोलूं तो 11,500 रुपए पे आता है। तो क्या 11,500 रुपए में एक सैमसंग का फोन है वर्थ नहीं है, उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। वैसे दोस्तों कल इसका सेल शुरू हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां पर जाकर आप चेकआउट करिए और एक और लिंक मिलेगी आपको वहां पर। इस वीडियो में मैं दो सैमसंग गैलेक्सी F22 का गिव अवे कर रहा हूं, आप में से दो लकी विनर को मिलेगा। अगर इंटरेस्ट रहेगा तो वहां पर जाके आप पार्टिसिपेट करके बने रहना। अब फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉक्स ज्यादातर जितने सैमसंग के फोन से उनका सब एक जैसा ही होता है। और बॉक्स कंटेंट की बात करें तो आपको ऑब्वियसली आपका फोन मिलता है, साथ में एक चार्जर है। ये 15W का है। वैसे फोन 25W चार्जिंग सपोर्ट करता है जो अच्छी बात है। टाइप सी केबल है और कुछ कागजात है और सिम इजेक्टर पिन है। वैसे बैक केस आपको यहां पर नहीं मिलता है। और जो मेरे पास वेरिएंट है वो 464 है और जो कलर मेरे पास है वो है डेनिम ब्लैक। आपको एक ब्लू वाला भी मिलेगा जो और भी अच्छा लगेगा। अब डिजाइन की बात करते हैं, यहां पर पीछे आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिल रहा है, साथ में ये जो है वो मैट फिनिशिंग है। बेसिकली इससे फायदा ही होगा कि आपको उंगलियों के निशान ज्यादा नहीं पड़ेंगे और कैमरे का बम बिल्कुल नहीं है। ये सैमसंग बहुत अच्छे से मेंटेन करता है और राउंडेड कॉर्नर से होल्ड करने में ग्रिप मुझे बहुत अच्छा लगा, हाथों से इतना जल्दी फिसलता नहीं। साथ ही साथ थोड़ा सा चौड़ा है, थोड़ा सा बल्की है, लेकिन वो इतना माइंड नहीं करता है क्योंकि दोस्तों इसमें 6000mAh की बैटरी है, तो ये चीज आपको समझनी है। उसी के साथ साथ अगर फिजिकल रूम की बात करें, नीचे आपको 3.5 जैक है, माइक होल है, टाइप सी पोर्ट है और आपको सिंगल स्पीकर मिलता है। लेफ्ट में आपको सिम ट्रे, थैंकफुली आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट मिलता है। राइट साइड में पावर बटन, उसी में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ऊपर वॉल्यूम अप एंड डाउन की और एकदम ऊपर थैंकफुली सेकेंडरी माइक होल आपको मिल जाता है। अब यहां पर सबसे पहले परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें है मीडियाटेक हीलियो G80। अब ये जो चिपसेट है दोस्तों हमने बहुत टेस्ट किया है, आप डे टू डे लाइफ में यूज करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई लैग स्टटर नहीं होता है क्योंकि इसमें आपको LPDDR4X रैम है और मतलब ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग ये सब कुछ अच्छा है और eMMC 5.1 स्टोरेज है। स्टोरेज अगर UFS होती तो मेरे ख्याल से थोड़ा और भी बेटर होता था, लेकिन जितना टाइम हमने अभी तक इस फोन का इस्तेमाल किया मुझे ऐसा कोई लैग स्टटर नहीं दिखाई दिया। साथ ही साथ दोस्तों जो G80 अगर आपको गेम्स भी खेलना है तो आप खेल सकते हैं, लो टू मीडियम पर सेट करके अगर आपको बैटल ग्राउंड्स वगैरह या दूसरे भी कोई गेम्स खेलना है, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह, आप खेल सकते हैं। उस मामले में ये चिपसेट में कोई इश्यूज नहीं है क्योंकि हमने बहुत टेस्ट किया है और उसके एक्सपीरियंस पर आपको मैं बता रहा हूं। थोड़ी अगर और बेटर चिपसेट होती तो और भी ज्यादा अच्छा होता था। अब डिस्प्ले की बात करते हैं, डिस्प्ले बहुत इंप्रेसिव है। आपको 6.4 इंच की HD+ की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जी हाँ, और साथ में यू कट आपको यहाँ पर नॉच मिल रहा है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, इनफैक्ट चिन भी इतनी ज्यादा नहीं है, एवरेज है। और इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 की आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है जो बहुत अच्छी बात है और 600 nits की आपको इसमें ब्राइटनेस मिलती है। डिस्प्ले दोस्तों जो विवी एंगल्स मुझे बहुत वाइड लगा, आउटडोर विजिबिलिटी मुझे काफी अच्छी लगी और कलर्स बहुत पंची थे। मैं जब वीडियोज देख रहा था तो कमाल का एक्सपीरियंस था क्योंकि वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, वो वैसा डिलीवर करेगा। साथ ही साथ दोस्तों 90Hz रिफ्रेश रेट, तो डिस्प्ले और ज्यादा स्मूथ हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि इस प्राइस पर और कोई ब्रांड है जो सुपर एमोलेड और 90Hz का कॉम्बिनेशन दे रही है और ये फोन में आपको मिल रहा है। मैं ऑनेस्टली कहूं दोस्तों, मैंने जब इस फोन का इस्तेमाल किया और डिस्प्ले की बात करता हूं तो एक की पॉइंट है इस फोन का और उस मामले में आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, बस एक चीज कहूंगा, यहां पर अगर HD+ से फुल HD+ होता तो और भी अच्छा होता था। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें है एंड्रॉइड 11 और One UI 3.1 कोर वर्जन है। जो कोर वाला है और जो नॉर्मल वाला है इनमें ज्यादा कोई फर्क नहीं, कोर वाला थोड़ा स्ट्रिप डाउन होता है, बेसिकली ये और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होता है। तो जो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस इसमें और भी अच्छा लगा मुझे, काफी फास्ट है, काफी स्मूथ है और सैमसंग पे मिनी वगैरह है और उसके अलावा नॉक सिक्योरिटी वगैरह है। हाँ, तो ये सिक्योरिटी के मामले में, प्राइवेसी के मामले में सैमसंग का फोन है, कोई प्रॉब्लम आपको यहां पर नहीं मिलेगी। उसी के साथ साथ दोस्तों आपको इसमें 6000mAh की बैटरी मिल जाती है। ये फोन बहुत अच्छी बैकअप देता है, हमने इसको बहुत यूज किया, जितना भी टाइम यूज किया बैटरी बैकअप कमाल की है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी अच्छा है सैमसंग का इसलिए, और साथ में चार्जिंग थोड़ी स्लो होती है, ज्यादा नहीं 15W का, लेकिन 25W जो सपोर्ट करता है अगर आप वो ले लेते तो थोड़ी और फास्ट चार्ज आपको होगी, लेकिन बैटरी बैकअप इस फोन में ना कमाल का है। उसके अलावा वाइड बैंड L1 सपोर्ट है जो अच्छी बात है, कैमरा टू API वगैरह और जितने भी जो इंपॉर्टेंट सेंसर्स है उन सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिलता है। और अगर नेटवर्क और कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको ब्लूटूथ वर्जन 5 है, आपको डुअल बैंड Wi-Fi 5 GHz बैंड सपोर्ट होता है, साथ में आपको डुअल 4G वोल्टी है, GPS लोनास वगैरह है,
तो वो सब कुछ आपको यहाँ पर अच्छे से मिलता है। और उसके अलावा सिक्योरिटी की बात करें तो साइड माउंटेड है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखेंगे टच किया अनलॉक हो गया, वैसे काफी फास्ट है, टच किया अनलॉक हो गया और फेस अनलॉक भी अच्छा है, वैसे हमने टेस्ट नहीं किया लेकिन हाँ वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। ऑडियो की बात करें नॉट बैड, फुल वॉल्यूम, सिंगल स्पीकर है, ओके नाइस, क्वाइट लाउड है, बेस भी अच्छा है। इनफैक्ट जो 3.5 mm जैक इसमें है, हमने ईयरफोन से टेस्ट किया था, डॉल्बी एटमॉस वगैरह का सपोर्ट है, वहां पर बड़ा मजा आया, तो ईयरफोन से एक्सपीरियंस ना आपका इसमें ऑडियो के मामले में अच्छा होने वाला है। फाइनली दोस्तों कैमरे की बात करते हैं, आपको 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप है और जो प्राइमरी है ये ट्रू 48 मेगापिक्सल है, जनरली 12 मेगापिक्सल होता है, फिर वो पिक्सल बाइंडिंग होता है और फिर आपको वो कंबाइंड आउटपुट 48 मेगापिक्सल देता है, ज्यादातर फोन्स में होता है, इसमें नहीं, इसमें डायरेक्ट ट्रू 48 मेगापिक्सल आपको आउटपुट मिलता है। साथ ही साथ आपको इसमें मैक्स फुल एचडी वीडियो आप यहां पर शूट कर सकते हैं, आपको AIS मिलता है, नाइट मोड है और सैमसंग ने बहुत सारे फीचर्स दिया है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है लेकिन इसमें 123 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू है, तो ज्यादा आपको यहाँ पर एरिया मिलता है। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, ये मैंने पहले भी बताया कि मैं इतना फैन नहीं हूँ 2-2 मेगापिक्सल वाले कैमरे का। सामने की तरफ 13 मेगापिक्सल सेल्फी है, यहाँ पर मैक्स फुल एचडी वीडियो है, वैसे इसमें आपको EIS मिलता है, वैसे इसमें नाइट मोड भी है सेल्फी में उन्होंने दिया है, ये मुझे अच्छा लगा, ये यूजफुल फीचर है जो बजट फोन्स में अक्सर बहुत सारी कंपनीज मिस कर देती है, सैमसंग ने वो चीज आपको दिया है और उसके अलावा भी काफी सारे आपको फीचर्स कैमरे में मिलते हैं। वैसे अगर फोटोज देखते हैं काफी इंटरेस्टिंग फोटोस है, देखिए दोस्तों मैंने बहुत बार बोला सैमसंग के फोन्स में कैमरा अच्छा होता है मानो या ना मानो, इनकी ऑप्टिमाइजेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये देखेंगे तो एक 11,500 रुपए वाला फोन है और फोटोज देखेंगे तो बहुत इंप्रेसिव है, डायनामिक रेंज देखेंगे नेचुरल है, कलर्स भी अच्छे लगे, इनफैक्ट अगर अल्ट्रा वाइड शॉट देखते हैं, ये मैंने बहुत ऊपर से लिया था तो यहां पर देखेंगे ज्यादा मेजर कलर शिफ्टिंग इशू भी नहीं दिखाई दिया, तो काफी एरिया भी कवर होता है और अच्छे खासे अल्ट्रा वाइड शॉट्स भी आप यहां पर निकाल सकते हैं। ओवरऑल मुझे जो रियर कैमरा है इसके फोटोस यहां पर दिन में बहुत अच्छे लगे थे। साथ ही साथ सेल्फी देखते हैं तो यस सेल्फी भी अच्छी है, पहले फोटो क्लिक होता है उसके बाद थोड़ा सा टाइम होता है प्रोसेसिंग का और उसके बाद जादू निकलता है और बहुत ही कमाल की फोटोज आप ले सकते हैं, शार्पनेस अच्छी है, बुके अच्छे आते हैं और नेचुरल लगते हैं, यस इनफैक्ट कहीं कहीं तो मुझे डायनामिक रेंज भी बहुत अच्छा लगा था, तो सैमसंग के इस फोन में कैमरा आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। वीडियो की बात करते हैं, रियर आपको वीडियो सैंपल दिखा रहा हूं, फुल एचडी है और अच्छे खासे स्टेबल वीडियोस आप यहां पर निकाल सकते हैं, वीडियो शार्प है और क्लाइमेट कभी ऊपर नीचे रहता है तो उसके हिसाब से डायनामिक रेंज डिपेंड करता है और सेल्फी वीडियो भी देखेंगे तो यहां पर भी मुझे अच्छा लगा, शार्प है, ब्राइटनेस अच्छी है और उसके अलावा आपको जो स्टेबलाइजेशन है वो भी आपको यहां पर अच्छी मिल जाती है। फाइनली दोस्तों मेरा क्या ओपिनियन है इस फोन से रिगार्डिंग, देखिए दोस्तों मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपका इसमें कमाल का होने वाला है, साथ ही साथ बैटरी बहुत अच्छी चल रही है, कैमरा बहुत अच्छा है मानो या ना मानो, सैमसंग के इस फोन का कैमरा मुझे बहुत अच्छा लगा है और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा है, साथ में परफॉर्मेंस भी डे टू डे लाइफ में और नॉर्मल टास्क, इनफैक्ट अगर जैसे कि मैंने बताया मीडियम टाइप की गेम्स भी अगर आपको खेलना है तो आप खेल सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर इस प्राइस रेंज में मुझे वीडियोस बनाने होते हैं टॉप फोन्स के इसके उसके तो ये फोन उसमें जरूर रहेगा और मुझे भी आपको अगर कोई फोन रेकमेंड करना है इस प्राइस रेंज में तो जरूर से मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी F22 रेकमेंड करता हूं क्योंकि ये वो डिलीवर कर रहा है। जी हाँ, तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको और वीडियोस देखना है तो कमेंट में जरूर से बताना, लाइक करिए दोस्तों, नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।